मेरे पीछे एक बोर्ड है, ये उसी मंदिर का बोर्ड है जहाँ पे 13 साल के लड़के को सिर्फ इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने यहाँ से पानी पिया, लड़का मुस्लिम था। और इस बोर्ड पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ लिखा है यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। हमारा संविधान हर तरह के धर्म को, हर तरह की जाति को जगह देता है, लेकिन एक मंदिर में एक मुस्लिम लड़के का पानी पीना कितना सही और कितना गलत है जिसके वजह से उसको पीटा गया। एक मुस्लिम लड़के को सिर्फ पानी पीने के वजह से उसका हाथ तोड़ने की कोशिश की, उसके सर पे लगातार मारा गया, उसको लात घूंसे मारे गए। उस बच्चे का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने अपनी प्यास बुझाई इस मंदिर के पानी से। सारा दिन वो काम करता था, कबाड़ी के तौर पे वो काम करता है, घर घर जाता है, उनका बचा कुचा जो सामान है वो खरीदता है और गली गली भटकता है। गरीब परिवार से है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर में आर्थिक मदद के लिए वो कमाता है, लेकिन उसे मारा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इस मंदिर में पानी पीने की कोशिश की। तो हम किस देश में रह रहे हैं, किस जो है किस जगह हम रह रहे हैं, कहाँ से ये लोकतांत्रिक बचा है जहाँ पे सिर्फ मंदिर में पानी पीने के लिए मारा जाता है। उस बच्चे के अंदर इतनी दहशत हो गई है कि वो आज मंदिर में जाने से डर रहा है। उसने कहा कि जहाँ भी मंदिर पड़ेगा, उसके परिवार वालों ने कहा जहाँ मंदिर अगर रास्ते में पड़े तो वो अपना रास्ता बदल ले। पूरी रिपोर्ट आप देखिए द मूक नायक पर, मीना कोटवाल के साथ।